नमस्कार जी, मैं हाँ पूनम, स्वागत है थोड़ा आलम सर। अज जी असं वीडियो लैके आए हैं वो है जी करेले। करेले हर कोई खाना पसंद नहीं करता, लेकिन जिन्हें अच्छ थानू असं बनाने सिखावे वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल भी कौड़े नहीं बनने। चलो बहुत समा ना वेस्ट करते हुए चलते हैं साड़ी किचन के विच, ते जिवें जिवें थानू असं बनाने सिखावे उस तरीके नाल बना के खाओ तो सबनों खाओ। उस तो पहले एक छोटी जी बेनती, जे साडे चैनल दे उत्ते पहली बार आए हो तो जरूर इसनों सबसक्राइब करो, नाल बैल आइकन है उसनों ऑन कर लियो ताकि तुहाडे कोल साडी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके ते तुसी साडी वीडियो देख सको, ताकि कोई भी थोनों इनफॉर्मेशन जिहड़ी थोनों असीं दिंदे आ असीं कुकिंग दे रिलेटेड वो मिस ना हो। ते जे थोनों साडी वीडियो पसंद आती है, साडी कुकिंग पसंद आती है, तो तुसी उसनों लाइक जरूर करना जी। सब तो पहले असी इन्हां करेलियां नूं चंगी तरीके दे नाल धो लेना। इस विच जिहड़ा पानी है तुसी दो तीन वारी धो लेना उहदे नाल, क्योंकि इस विच अगर किते भी डस्ट होई तां फिर वह किरक पैदा करेगी। सो तुसी पहला इस तरीके दे नाल इन्हां दे जिहड़े डंडल ने इत्थों साइड दे उत्तों कट के इन्हां नूं कट लांगे, और इन्हां नूं चंगी तरीके नाल धोना। तुसी छिलका असी इहदा नहीं लावांगे, तुसी लाणा ते इहदा छिलका पीलर की सहायता ना उतार भी सकते हो, पर मैं हर वारी इस तरीके नाल ही बनाउनी आ करेले। क्या वो सीख लिया आपां किवें बनाउणा? सो असी इहनूं इदां कट लांगे। इस तरीके दे नाल असी सारे करेले जिहड़े ने वह कट ले ने। तुसी देखो कि कच्चे करेले ने, अगर कोई विच्चों एक अद्धा पीस तुहाडा पक्का बीज आ जांदा है ते वह तुसी इस तरीके नाल कट सकते हो, पर इस विच ज़्यादा जिहड़े बीज ने वो थोनों पता नहीं किदां दे लगदे ना, अच्छे नहीं लगते कई, लेकिन मेरे को एक दो करेले से जिन्हां च बीज थोड़े जे पक्के हुए से मैं उन्होंने इस तरीके नाल ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैनू इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता, क्योंकि जो फ्राई करते हैं तो ये क्रंची हो जाते हैं, तो क्रंच टेस्ट बहुत अच्छा आता इसका। हुण असी इस दे विच नमक पा के इसनों रख देंगे और इनू मिक्स कर देंगे असी सारे नू इस तरीके दे नाल। हुण सारा पानी जिहड़ा है अपना कौड़ा छड्ड देगा। तुसी तां इहनू धुप्पे भी रख सकते हो जां तुसी इसनू इस तरीके नाल ढक के रख सकते हो। अद्धा घंटा इनू लगेगा जब तक असी होर तैयारी कर लैंदे हां। असी कढ़ाही विच तेल रख दिता ते हुण असी आलूआं नू छिल के तैयार कर लांगे। इस दे पीस करके असी इन्हां नूं कट लांगे। असी हुण सारे आलू एवें ही कट लांगे। कोई सब्जी धोंदे हो या तुसी कटदे हो है ना, हुण आपां आलू कट के धोते ने, इह साडे कोल पाणी बचिया होया। देखो ये पानी असी सुट्टांगे नहीं, ये पानी असी बूटियां च पावांगे। जिवें तुसी चावल बनाउंदे हो ते चावल भी तुसी जिहड़ा है पानी जिहड़ा है एक या दो बार धोंदे हो, वो थोड़े बूटियां लई बहुत अच्छा है। वो पानी जिहड़ा तुसी शाम दे टाइम बूटियां च पा सकदे हो, उहदे नाल फ्लावर। सारे असी इस तरीके नाल फ्राई कर लांगे। साडे आलू फ्राई हो रहे ने, असी कट लांगे प्याज। आलू साडे फ्राई हो रहे ने और जिहड़े असी आलू फ्राई कर रहे हैं, अगेन तुहानू दस दिए कि असी करेले हमेशा मस्टर्ड ऑयल च बनाउणे आ। सरों दे तेल दे विच बहुत ही टेस्टी बनते ने, इस करके असी उहनू पहलां काढ़ लैना फिर असी उसनू बनाउणा। ते असी पानी दे विच रख लिया सी ताकि इसदा जिहड़ा कौड़ा पानी है वह निकल जाए, साडी अखां दे विच उन्ना पानी ना आए। सो हुण असी लंबा लंबा प्याज कट लांगे। फ्राई करते समय ध्यान रखना कि तुसी नाल नाल इसनों हिलाते जाना जी, नहीं तो साढ़े आलू एको जे नहीं पकणगे। मैनू लगता कि हाल आलू जड़े ने वो हो चुके ने, चैक कर लैने आपां एक बार ते फिर इन्हां नूं आपां कढ लांगे जी। बिल्कुल आलू साढ़े पक चुके ने, एक बार होर एक ऐ वड्डा पीस है थोड़ा जिहा इहनूं कट के देख लैंदे। हाँ जी बिल्कुल ये पक चुके जी, हुण इन्हां नूं असीं बाहर कढ लांगे चंगे तरीके दे नाल तेल नचोड़ के। सारे आलू असी
बार कट लेंगे। करेलिया असी चंगी तरीके ना धो लिया, इस विचों कौड़ा पानी जिहड़ा निकल गया, सो हुण असी इहनू फ्राई करांगे तेल दे विच। करेले साढ़े फ्राई हो चुके ने, गोल्डन ब्राउन हो चुके ने, हुण असी इहनां नू कट लैंदे हुण असी पावांगे जीरा। तेल असी सिर्फ एक कड़छी की लिया क्योंकि असी पहला सारा कुछ फ्राई करके लिया। हुण असी पावांगे कट्टे हुए प्याज। पिंक कलर दे साढ़े प्याज हो चुके ने, इस समय असी इहदे विच पावांगे हरी मिर्च। हरी मिर्च जिहड़ी देखो मैं थोड़ी सिलेक्ट करके पाई, लंबी लंबी कट के। इस समय दे विच पा रहे हैं काली मिर्च, नमक। नमक असी पहला करेलिया विच भी पाया, इस करके नमक थोड़ा जिहा हिसाब दे नाल ही पाउणा सी। हुण पावांगे असी इहदे विच हल्दी। गैस नूं असी कर दांगे स्लो तां कि साडा मसाला सड़ ना जाए। थोड़ी जी कसूरी मेथी जो कि मैं अपने घर की सुकाई हुई है, जो थोड़ा तिखा खाना पसंद कर दें तो थोड़ी जी लाल मिर्च इस विच तुसी ऐड कर सकते हो। हुण असी फ्राई किए हुए आलू और करेले इस विच ऐड कर देने हैं। थोड़ा जिहा पावांगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर पाना इत्थे लाजमी है, तुसी नींबू का भी प्रयोग कर सकते हो, पर जदों तुसी नींबू पाउंदे हो तो उसका टेस्ट इस नाल थोड़ा जिहा वक्खरा हुंदा, सो तुसी जिहड़ा नींबू है वह भी पा सकते हो, पर तुसी जे अमचूर पाउडर पाउन तो ज़्यादा अच्छा है। कसूरी मेथी भी बहुत अच्छी टेस्ट दिंदी है इस दे विच। सो इस तरीके नाल जो तुसी बनाओगे करेले, बच्चे भी पसंद करेंगे और वड्डे बुजुर्ग भी पसंद करेंगे। नाल तुसी इस दे पा सकते हो जी बूंदी, रायता इस दे नाल घीए दा होवे जां होवे बूंदी दा, बहुत ही टेस्टी लगता है। नाल तुसी दाल भी बना सकते हो, दाल दे नाल भी चपाती नाल इस नू खा सकते हो। लो फ्लेम दे उत्ते बिल्कुल असी इहनू 2 मिनट पकावांगे। असी 5 कि मिनट इहनां नू सेक लगवा लिया जी। देखो जी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस विच्चों। बन के तैयार है जी साडे आलू करेले। ये बिल्कुल भी कौड़े नहीं बने होणगे, बहुत टेस्टी बनणगे, बहुत स्वादिष्ट। तुसी साडी वीडियो अंत तक